नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। नागौर जिला मुख्यालय पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय रामदेव पशु मेले में सोमवार को सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पशुपालन विभाग के उप निदेशक तथा खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल के साथ निरीक्षण करके मेले में दूर दराज से आए किसानों तथा पशुपालकों एवं व्यापारियों से संवाद किया। सांसद ने आला अधिकारियों के साथ पूरे मेले का पैदल निरीक्षण करके पशुपालकों को पानी बिजली सहित अन्य समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करके मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश प्रशासन को दिए। सांसद ने वहां का जायजा लेने के साथ वहां मौजूद लोगों को कुछ निर्देश भी दिए। गांव को लेके डीएम साहब भी आए हैं, सारा आए। भाई यही है कि किसान तकलीफ के अंदर नहीं हो, ठंड का समय है, पानी बिजली समय पे लगे और बिजली के तार भी खुले नहीं रहे, उनको आप इस तरह करें कि किसी तरह का कोई हादसा भी नहीं हो, क्योंकि पशुओं का मामला है। तो सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर सरकार जो भी कर सकती है करें। ये जायजा लेने के लिए मैं आया हूँ और मैं अभी आधा जायजा लिया, आधा जायजा मैं लेऊंगा। पानी बिजली और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें सरकार को करनी, इसके लिए ये कटिबद्ध ये लोग करेंगे, ये निर्देश देंगे। भाई सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों का मेला है और यहाँ जो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हुआ करती थी, अतिक्रमियों ने नागौर के अंदर अतिक्रमण भी कर लिया, तो उसको हटाने के लिए भी हम मिलकर सब लोग इसको मुक्त कराएंगे और वापिस जो पशुओं के लिए सुरक्षित ज़मीन है उसकी उसको रखवाएंगे सर। मौके पर मौजूद एडीएम ने कहा कि नागौर और पर्वतसर सहित जिले के तमाम पशु मेलों के संरक्षण के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके मेले शुरू होने से पहले ही पानी बिजली जैसे तमाम सुविधाओं को सुनिश्चित करें। हमारे संवाददाता केशवराम गढ़वाड़ ने वहां उपस्थित लोगों से वार्तालाप भी की। जी हाँ दोस्तों, हम आज नागौर के बाबा रामदेव पशु मेले के अंदर आए हैं और हम यहाँ के कुछ आपको नागौरी नस्ल के बैल जो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के कुछ तमाम लोगों से हम बात भी करेंगे और यहाँ के जो लोगों से आपको बातचीत करवाएंगे और जो पशुपालक से हम बात भी करेंगे और पशुपालकों से हम बताएंगे कि नागौरी बैल की नस्ल के बारे में और इनकी क्या क्या विशेषता है नागौरी बैल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चल के इन बैलों के बारे में आपको बताते हैं और इन पशुपालकों से हम भी बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको भी दिखा रहे हैं, ये नागौरी नस्ल के बैल हैं और जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो नागौरी नस्ल के बैल हैं। हम अभी पशुपालकों से भी बात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनको भी ये भी बात पूछेंगे कि आपके बारे में और यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। जी हाँ, मैं केशवराम गढ़वार परमार्थ आवाज नागौर से। सर आपका क्या नाम है? निमारा मैदी। और हमारे YouTube चैनल और परमार्थ आवाज नागौर समाचार पत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ये नागौरी नस्ल के बैल है, इनके बारे में सर बताइए हमारे दर्शकों को। अब नागौरी नस्ल का बैल तो है पर थोड़ा बहुत रिया है, सब बंद हो गया और उसमें क्या है कि मान लो मेला सब सरकारी उठाने के लग रहा है, सब जो नौकर है ना इस बैलों को उठाने चाह रहा है। लाठी वगैरह कोई सुविधा नहीं है, अन्न पानी की बाहर जान दे नहीं दे रहा इसको बैलों को। क्यों ऐसी क्या व्यवस्था नहीं की आपने? तो अभी कहाँ है यहाँ व्यवस्था, कुछ नहीं, देख लो आप, ये गंदगी पड़ी हुई है चारों मेर, कोई उठाई भी नहीं रहा इसमें। तो मेला आज ही स्टार्ट हुआ? तो हाँ जी आज हुआ, पर तो अभी सफाई होनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे ना पशुपालकों का कहना भी है कि यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है और सब ये बात पानी वानी की कोई सुविधा नहीं है।